नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एशिया कप के 4 सितंबर के मुकाबले में जब से पाकिस्तान ने भारत पर जीत दर्ज की है, तब से पाकिस्तान देश पगलाया और बौखलाया हुआ है और वो लगातार भारत के हीरो अर्शदीप को विलन बनाने में जुटा हुआ है। सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से तमाम फेक ट्विटर हैंडल से अर्शदीप को खालिस्तानी बताने की कोशिश की गई, यहां तक कि पाकिस्तान ने उनके विकिपीडिया पर भेजाकर खालिस्तान जोड़ दिया, जिसके बाद भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए विकिपीडिया को नोटिस जारी कर दिया। आनन फानन में विकिपीडिया ने आखिरकार वहां से खालिस्तानी शब्द हटा दिया, लेकिन पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आ रहा है और उसने एक बार फिर से निष्ठा वाली हरकत की है। आपको बता दें कि इस बार अर्शदीप को लेकर पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की है कि उसे सुनने के बाद आपका खून खौल जाएगा। आपको बता दें कि अर्शदीप ने 4 सितंबर के मुकाबले में एक आसान सा कैच छोड़ा था, जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया गया और तमाम तरीके से उनके खिलाफ गलत शब्द का प्रयोग किया गया। अब इसी कड़ी में पाकिस्तान ने अर्शदीप को हरी जर्सी में दिखाया है। जी हाँ, उन्होंने हरी जर्सी में दिखाने के साथ ही पाक व्हील्स लिखा है, क्योंकि पाक व्हील्स नाम की कंपनी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर अर्शदीप सिंह की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्हें पाकिस्तान का खिलाड़ी दर्शाया गया। उनकी जर्सी का रंग हरा दिखाया गया, जो कि पाकिस्तान की टीम की जर्सी का रंग है। फिलहाल इसके साथ ही कंपनी ने अपने पोस्ट पर लिखा, लड़के ने अच्छा खेला, मैच जिताने की खुशी में अर्शदीप को पाक व्हील्स कार इंस्पेक्शन बिल्कुल फ्री। तो कुछ इस तरीके से पाकिस्तान लगातार हरकतें कर रहा है और घटिया चाल चल रहा है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अर्शदीप को लगातार वो खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताने में जुटा हुआ है। हालांकि भारत देश अर्शदीप के साथ खड़ा है और लगातार वो ये कह रहा है कि हमारा हीरो है अर्शदीप और निश्चित तौर पर पाकिस्तानी अर्शदीप की काबिलियत देखकर डरे हुए हैं और उन पाकिस्तानियों को पता है कि ये सरदार इतना असरदार है कि आने वाले वक्त में उनकी बैंड जरूर बजाएगा। इसीलिए अर्शदीप के खिलाफ इसी तरीके से वहां के लोग घटिया ट्रेंड चला रहे, ताकि इसका असर अर्शदीप पर पड़े और उनका करियर ज़्यादा अच्छा ना चल पाए। वहीं आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ भी जब टीम इंडिया को हार मिली, तो उसके बाद भी एक पाकिस्तानी ने अर्शदीप पर तंज कसा। हालांकि वहां पर मौजूद भारतीय पत्रकारों ने उस पाकिस्तानी की औकात बता दी और खूब डांट लगाई, जिसके बाद पाकिस्तान के उस शख्स का चेहरा देखने लायक था और इसके साथ ही भारत ने बता दिया कि अर्शदीप उनके हीरो हैं और रहेंगे। पाकिस्तान कितनी भी साजिशें रच लें, ना भारत मोहम्मद शमी के खिलाफ कभी गया और ना अर्शदीप सिंह के खिलाफ वो कभी जाएगा।